मेरे प्यारे बहन भाई और मित्रों कैसे हो आप आज हम बात करने वाले हैं लेपटॉप डी एस कैप्सूल के बारे में यानी इस कैप्सूल को कब कैसे यूज नहीं करना चाहिए इस वोट में आप जानकारी जाने वाले हो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों अगर आपका लीवर डैमेज हो गया है तो आप उसमें भी इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो या फैटी लीवर हो गया हो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो यदि आप अल्कोहल करते थे और अब नहीं करते और आपका लीवर डैमेज हो गया है तो आप उस दिक्कत में भी इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप हेपेटाइटिस हो गया है हेपेटाइटिस में होता क्या है यानी कि लीवर की सूजन हो आ जाती है हेपेटाइटिस में लीवर पर सूजन आ जाती है तो दोस्तों आप इस दिक्कत में भी इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो या वायरस या दवाई लीवर हो गया हो इस दिक्कत में भी आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हो या डाइजेशन में समस्या आती हो उस दिक्कत में भी आप इसको ले सकते हो क्योंकि लीवर बहुत एंजाइम निकालता है जो कि आपके डाइजेशन को ठीक

और आपको कोई भी परेशानी या किसी भी तरह के का अन्य साइड इफेक्ट दिखा है तो घबराएं नहीं तुरंत इस प्रोडक्ट को लेना बंद कर दे और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। नंबर टू किसी भी प्रकार की अन्य मेडिसिन या किसी भी अन्य प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट अपने डॉक्टर के सलाह के नहीं लानी चाहिए क्योंकि मरीज की पेशेंट की उम्र अकॉर्डिंग अंदर बॉडी में क्या चल रहा है क्योंकि दोस्तों हर आदमी के अंदर अलग अलग हारमोन्स होते हैं उनके हारमोन्स के ऊपर उनकी उम्र के ऊपर उनके वजन के ऊपर उनकी जांच करवाने के बाद डॉक्टर दवाइयाँ देता है इसलिए दोस्तों पहले अपने डॉक्टर से परामर्श यानी कि संपर्क करें क्योंकि दोस्तों जान है तो जहा है वरना सब मिट्टी समान है उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आप समझ तो दोस्तों ये लैपटॉप डी एस कैप्सूल की फुल इन्फॉर्मेशन फुल जानकारी दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें थैंक यू धन्यवाद